नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे स्नायु दुर्बलता दूर करने के घरेलू उपाय। आपको लक्षण बताएंगे, रोग का परिचय बताएंगे, आपको हम कारण बताएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। मित्रों, जो स्नायु दुर्बलता होती है किस कारण से होती है, आखिर क्या वो कारण रहता है, वो आपको हम बताएंगे। दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मित्रों आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं स्नायु दुर्बलता को लेकर। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनको स्नायु दुर्बलता हो जाती है, उनको मालूम नहीं चलता है, चिंता तनाव डिप्रेशन में वो रहते हैं, आगे चल के बीमारी और भी बड़ी हो जाती है, बहुत गहरी बीमारी हो जाती है, तो दोस्तों उनको बाद में पता चलता है, तब जाके बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत समय लगता है उनको रिकवर होने में। आज हम आपको स्नायु दुर्बलता के बारे में बताएंगे, आप इसको समझिए, आप इसको जानिए। क्या किसी को ये स्नायु दुर्बलता बीमारी है या स्नायु दुर्बलता किसी को हो गई है? दोस्तों आज हम आपको वीडियो में बताएंगे, उससे आप जानकारी या अनुमान लगा सकते हैं कि स्नायु दुर्बलता अगर किसी को हो जाती है तो कैसे ठीक होती है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसका घरेलू उपाय क्या है, इसका आयुर्वेदिक औषधियां क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज का टॉपिक मेरा है स्नायु दुर्बलता दूर करने के घरेलू उपाय, इसके रोग परिचय कारण और लक्षण। सबसे पहले दोस्तों आपको हम इसका परिचय से अवगत कराते हैं, किस कारण से स्नायु दुर्बलता होती है। यह रोग स्नायु तंत्र की स्नायुविक शक्ति कमजोर होने से होता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है मित्रों, और रोगी शारीरिक और मानसिक रूप से खिन्न हो जाता है। मित्रों ये देखिए जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पाचन विकार हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मानसिक या शारीरिक कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या कुछ परिश्रम करते ही थक जाता है, या मानसिक एक शारीरिक थकान अनुभव करता है। दोस्तों हमने आपको कुछ परिचय बताए हैं, चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कारण, कौन सा कारण होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि स्नायु दुर्बलता हो गई है। सबसे पहले शोक या सदमा, या फिर सदमा लग गया हो, मानसिक आघात, या किसी के साथ विश्वासघात कर किसी ने कर दिया हो, प्रेम में असफलता मिली हो, मानसिक तनाव चिंता भय आदि मुख्य कारण होते हैं मित्रों इसके। फिर धातु वीर शुक्र का असंयमित, जैसे मान लीजिए मित्रों कि वीर शुक्र का समय एक समय होता है कि वो समय से ही निकाला जा सकता है, और उससे ऐसे लोग हैं जिसको वीर को असीमित समय से निकाल देते हैं, उससे क्या होता है स्नायु दुर्बलता उनकी ढीली हो जाती है, धीमे धीमे स्नायु दुर्बलता होने लगती है, बहुत सी बड़ी बीमारी हो जाती है मित्रों। विश्वासघात कर लिया हो, शुक्र वीर का असीमित शरण हो, हस्त मैथुन या देखिए मित्रों हमने आपको बताया था हस्त मैथुन या अन्य अस्वाभाविक मैथुन आदि से भी ऐसा होता है, मानसिक या शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा किसी ने परिश्रम कर लिया हो, अधिक करना या फिर बहुत करना, मतलब बहुत ज्यादा किसी ने परिश्रम कर लिया हो, या फिर परिश्रम बिल्कुल ही ना करना, घर में पड़े रहना, कोई काम ना करना, दोस्तों इससे भी धीमे धीमे स्नायु की दुर्बलता हो जाती है और यह रोग को आमंत्रित करती है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं हम इसके लक्षण क्या है। दोस्तों कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं जब स्नायु दुर्बलता हो जाती है। मानसिक कमजोरी के लक्षण इसके विशेष मुख्य कारण है, ठीक है। अब आपको बताते हैं जिससे रोगी कुछ भी याद करने में असमर्थ रहता है, मतलब अगर कोई भी वो पढ़ता है लिखता है या फिर क्या कहते हैं वो स्टडी करता है और कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, कुछ भी वो करता है वो भूल जाता है, मतलब जैसे याद करता है उसको याद नहीं रहता, वो भूल जाता है, तो समझ लीजिए उसकी स्नायु दुर्बलता कमजोर है। चिकित्सा समय पर ना करने से रोगी अपना नाम तक भूल जाता है, घर का मार्ग तक भूल जाता है, सिर में चक्कर आता है, बेचैनी होती है, बीच बीच में आंखों के सामने अंधेरापन छा जाता है, जैसे कमजोरी होती है आदि लक्षण होते हैं मित्रों। रोगी को किसी काम में मन नहीं लगता, काम करते समय छोड़कर किनारा कर जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनका स्नायु दुर्बलता कमजोर हो जाती है, कोई भी कार्य वो कर रहे होते हैं वो छोड़कर उठकर चले जाते हैं या फिर कट लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो काम में उनका मन नहीं लगता, माइंड उनका संतुलित नहीं है, उनको स्नायु दुर्बलता के कारण ऐसा अनुभव होता है मित्रों। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि रोगी को किसी काम में मन नहीं लगता, किनारा कर लेते हैं कि कोई भी काम करते हैं, किसी विषय में ठोस निर्णय नहीं ले पाते। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी आयुर्वेदिक औषधियां क्या है, इसके बाद आपको बताएंगे कुछ घरेलू प्रयोग जिसके प्रयोग से ये जो स्नायु की दुर्बलता है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे।
दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आयुर्वेदिक औषधि में स्मृति सागर रस एक आता है, वो आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। स्मृति सागर रस की एक एक गोली सुबह शाम मिश्री मिले घृत, मतलब मिश्री मिले आपको घी के साथ में लेना है। दोस्तों फिर अश्वगंधा रिष्ट नाम की एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आपको सिरप मिल जाएगा अश्वगंधा रिष्ट दोस्तों, उसको भी आप 3-3 चम्मच बराबर मात्रा में पानी मिलाकर लेना है खाना खाने के आधे घंटे बाद। फिर दोस्तों हम आपको बताते हैं कुछ घरेलू प्रयोग जो जिसके प्रयोग से आपकी जो स्नायु दुर्बलता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मगर दोस्तों एक आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी कर रहे हैं, अगर आपको स्नायु दुर्बलता है तो पहले आप डॉक्टर से जांच करवा लीजिए। अगर मान लीजिए जो भी हमने आपको आज कारण लक्षण और परिचय से अवगत कराया है, अगर थोड़ी सी भी आपको इसमें से कुछ मैचिंग खा रही है तो दोस्तों आप डॉक्टर से जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद में आप उनसे सलाह लीजिए, दवा लीजिए, डॉक्टर के सलाह अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे, इस दवा का जो हम आपको बता रहे हैं, तो जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। मित्रों चलिए दोस्तों हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं। मित्रों सहजन की जड़ की छाल, संतरे का छिलका और जायफल का मगसारिक अर्क 10-15 बूंद सुबह शाम लेने से स्नायु दुर्बलता हमेशा के लिए मित्रों दूर हो जाती है। दूसरा प्रयोग काली मिर्च का चूर्ण 1 चुटकी प्रातः, ये आपको लेना है शाम को नहीं खाली सुबह लेना है, शहद मिलाकर लेने से स्नायु दुर्बलता में आराम मिलता है। इसका तीसरा प्रयोग अजमोद की जड़ के चूर्ण की बनी चाय प्रतिदिन प्रातः सायं पीने से स्नायु दुर्बलता दूर हो जाती है। मित्रों जो हमने आपको आज प्रयोग बताया है ये चरक संहिता में से लिया गया है और मित्रों बहुत कमाल का ये प्रयोग है, जो औषधि नहीं खरीद सकता उनको कॉस्टली पड़ती है, तो घरेलू प्रयोग करेंगे तो उनकी आसानी से स्नायु दुर्बलता दूर हो जाएगी। मित्रों आप जानते होंगे कि बहुत सी ऐसी औषधि होती है जो डॉक्टर की सलाह से लेनी होती है, तो मित्रों हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको ये सब मैच खा रहा है जो हमने आपको आज स्नायु दुर्बलता के बारे में बताया है और डॉक्टर जो है वो बिल्कुल जांच एकदम परफेक्ट किए हैं कि हाँ स्नायु दुर्बलता की प्रॉब्लम है, तो ये सब जो हमने दवा आपको बताई है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में सेवन करेंगे तो जल्दी आपका रिकवर हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी जानकारी केवल और केवल ज्ञानवर्धक का हेतु है कि आप ये देखें कि जो भी हमने आपको आज स्नायु दुर्बलता के बारे में बताया है दूसरों को हो जाती है तो उनको थोड़ा ज्ञान बढ़े, आखिर वो प्रॉब्लम को समझे। मित्रों मेरी जानकारी बस यहीं रखती है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।